बिग बॉस 13 से पॉपुलैरिटी पाने वाली शहनाज गिल के पिता संतोष सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। जी हां, बिग बॉस 13 के दौरान शहनाज के साथ साथ उनके पिता संतोष भी काफी पॉपुलर हो गए थे। वे उस सीजन में बिग बॉस के घर में भी नजर आए थे, लेकिन पिछले साल संतोष सिंह तब मुश्किल में फंस गए थे जब उन पर एक महिला ने रेप का आरोप लगाया था। उस वक्त पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी थी। हालांकि शहनाज के भाई ने इन आरोपों को झूठा और बकवास बताया था। अब संतोष बीजेपी ज्वाइन करने को लेकर चर्चा में है। संतोष सिंह ने पंजाब में चुनाव से पहले बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली है। संतोष सिंह सिर्फ रेप के आरोपों को लेकर ही नहीं बल्कि बेटी शहनाज का रिश्तों में कड़वाहट को लेकर भी सुर्खियों में रहे। बिग बॉस 13 के दौरान शहनाज और उनके पिता संतोष के बीच अनबन की काफी खबरें आई थी। बीते साल संतोष शहनाज से इस कदर नाराज हो गई थी कि उन्होंने बेटी से कभी बात ना करने की कसम खा ली थी। संतोष सिंह ने कहा था कि शहनाज ने चंडीगढ़ में शूटिंग की और वे अपने परिवार से मिलने नहीं आ सकती, जबकि उनका घर चंडीगढ़ से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है। शहनाज चंडीगढ़ में शूटिंग कर रही है, इसका मुझे मीडिया रिपोर्ट से पता चला। उसने तो बताया भी नहीं, उसके दादा का हाल ही में घुटने का ऑपरेशन हुआ है। कम से कम उसे उनसे मिलने तो एक बार आना चाहिए था। मेरे पास उसके मैनेजर का भी नंबर नहीं है ताकि मैं शहनाज तक पहुंच सकूं। मैंने तो अब कसम खाई है कि जिंदगी भर उससे बात नहीं करूंगा। हालांकि बाद में बाप बेटी के बीच सब कुछ ठीक हो गया था। तब सिद्धार्थ शुक्ला की मौत हुई तो संतोष सिंह ने बेटी शहनाज को खूब हिम्मत दी। वह खुद भी सिद्धार्थ को खोने के कारण दुखी थे, पर बेटी का साथ नहीं छोड़ा।